होली के दिन सोमवार की सुबह करीब 5 बजे जिला ऊना के अम उपमंडल के मैड़ी में ऐतिहासिक होला मोहल्ला मेला सेक्टर नंबर 5 चरण गंगा में लैंडस्लाइड के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के समय श्रद्धालु पवित्र झरने में नहा रहे थे कि इसी दौरान पहाड़ से अचानक 4-5 पत्थर की स्लाइडिंग हो गई। पहाड़ से पत्थर गिरते देख श्रद्धालुओं में भगदड़ भी मच गई। हादसे में चरण गंगा में स्नान कर रहे 9 श्रद्धालु जख्मी हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल अम्ब लाया गया, जिसमें से 2 श्रद्धालुओं की मौत होगी, जबकि 3 को गंभीर हालत के चलते क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया ने बताया कि पहाड़ से हुई स्लाइडिंग के चलते जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, इनमें से 2 की मौत हो गई है, जबकि अन्य का उपचार जारी है। हादसे में घायल गोविंद निवासी बरनाला, धर्मिंदर सिंह निवासी सोल जिला तरनतारन, हरपाल सिंह निवासी अमृतसर, बबलू निवासी पिंड बराड़ अमृतसर का और अम्ब अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं बलवीर सिंह निवासी निदाना खेड़ जिला जिंद हरियाणा, अंग्रेज सिंह निवासी भराड़ तहसील अजनाला जिला अमृतसर और रघुवीर सिंह निवासी रोड़ी कपूरा जिला फरीदकोट को गंभीर हालत में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में रेफर किया गया है। दूसरी तरफ प्रशासन ने हादसे के फौरन बाद पवित्र चरण गंगा में श्रद्धालुओं के स्नान पर पाबंदी लगा दी है। आज सुबह मैडी मेला के दौरान चरण गंगा नामक स्थान पर सुबह के लगभग 4:45 बजे पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से 9 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए थे। उन्हें तुरंत मौका पर तैनात पुलिस ने रेस्क्यू किया, एवैक्यूएट किया और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें CSC अम्ब भेजा गया है। प्राथमिक उपचार के बाद 7 लोग जो हैं वो खतरे से बाहर हैं और उपचार के दौरान 2 श्रद्धालुओं की जो मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एहतियातन अभी चरण गंगा पर स्नान में आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि वो अभी यहाँ पर इस एरिया में ना आए और जैसे ही कोई प्रशासन की तरफ से कोई इसमें आदेश दिया जाएगा तो श्रद्धालुओं को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। श्रद्धालु आ सकते हैं परंतु वो जो स्नान वाला एरिया है वहाँ से आने के लिए वहाँ पर ना आए और जो मंदिर है वहाँ पर वो अपने दर्शन कर सकते हैं। तो मेरी ये अभी श्रद्धालुओं से ये अपील रहेगी कि एहतियातन जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से उस क्षेत्र को पुलिस प्रशासन द्वारा बंद कर दिया जाए। पंजाब के CTV के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.kstreet।